नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नीतीश यादव फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि डर के वजह से किसी की मौत भी हो जाता है? क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी डंक मारने के बाद खुद क्यों मर जाती है? क्या आप जानते हैं कि मच्छर अंधेरे में भी कैसे काट पाता है? इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सुराही का पानी ठंडा होता है, लेकिन यह ठंडक क्यों होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुराही में मह छिद्र होती है जो दिखाई नहीं देती है। इसी छिद्र के द्वारा सुराही का पानी वायुमंडल के संपर्क में आकर बाष्पीकृत होने लगता है और जल को ठंडा कर देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हमारा त्वचा पूरे शरीर को ढक रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पूरे शरीर में पतली त्वचा कौन सा अंग का होता है? साथ ही साथ सबसे मोटी त्वचा कौन सा अंग का होता है? सबसे पतली त्वचा आंखों के पलकों की होती है, यह लगभग 0.5 mm मोटी होती है। और सबसे मोटी त्वचा पैरों की एड़ी की होती है, यह लगभग 4 mm तक मोटी होती है। फैक्ट नंबर 3, कुत्ता को दूर ले जाकर छोड़ देने पर भी वह वापस जगह पर आ जाता है, क्योंकि कुत्ता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकता है, साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट प्रकाश को देख भी सकता है। फैक्ट नंबर 4, मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय बाद मर जाता है, क्योंकि डंक मारने के बाद वह अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाता है, जिससे उसका स्टिंगर टूट जाता है। साथ ही साथ उसके पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, मच्छर आपको काटने के लिए अंधेरे में भी कैसे ढूंढ लेता है? दोस्तों, ज्यादातर मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड तथा पसीने की वजह से मनुष्य को ढूंढ पाता है। हम मनुष्य तथा अन्य जानवर स्वाभाविक रूप से सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे मच्छर हम तक आसानी से पहुंच पाता है। मच्छर 10 से 50 मीटर तक श्वास का पता लगा सकता है। फैक्ट नंबर 6, हमारे घरों में या आसपास में जो मक्खियां होती है उस पर हमला करने से पहले उड़ जाता है, क्योंकि मक्खियों को अपने ऊपर आने वाले जोखिम का पता 100 मिलीमीटर सेकेंड पहले पता चल जाता है।